भुवनेश्वर ओडिशा राज्य में 3 जून सुधी हिटवेवनी स्थिति पर सत्यव्रत साहू ओडिशा ना विशेष राहत कमिश्नर शू कही रहा छे जुओ वीडियो। 17 दिन अप्रैल में हुआ था, कंटिन्यूअसली हुआ था। इससे हमारे पास जो जितना भी अभियोग आया था, तदन करने के बाद आया था कि 4 लोग का डेथ हुआ था, लेकिन अभी मई के पिछले 15-20 दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी पिछले हफ्ते से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, दोबारा हीटवेव कंडीशन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में हो रहा है। आपको तो मालूम है कि दिल्ली में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जैसे कल 46-47 बहुत सारे वेस्टर्न ओडिशा के जो टाउन से यहां पर हुआ था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झारसुगुड़ा में होता, सुंदरगढ़ में हुआ था। तो अभी यहां इसी जो 7-8 जो एरिया है, अभिभक्त संबलपुर, देन सुंदरगढ़, बलांगीर, बौद्ध, इवन अनगुल, ढेंकनाल, ऑल दीज एरियाज, इनको हमने जिला, इसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको हम जो इंस्ट्रक्शंस देना था हम दे चुके हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट कल हमारा कुछ जगह से एलिगेशन जो आया है, इसको तदंत हम कर रहे हैं सुंदरगढ़ से और झारसुगुड़ा से। तो इसका तदंत होने के बाद मालूम हुआ क्या वजह है डेथ का। ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर सेपरेटली तदंत कर रहा है। दूसरा चीज है कि मैं इस सब, क्योंकि अभी 2-3 दिन और चलेगा इस टाइप का कंडीशन, जो मौसम विभाग ने हमको जो दिया है, जो हमको खबर मिला है, तो ये 2-3 दिन और चलेगा, कम से कम 3 तारीख तक। तो जिलाधीश लोगों को सब बोला गया है कि इसको माइकिंग करके प्रचार करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बोला जाए कि जो पीक आवर है, जो सवेरे 10-11 बजे से 3-4 बजे तक होता है, इसी दौरान लोग बाहर ना आए। बाहर आने में प्रॉब्लम होता है और बहुत ही जरूरी काम है तो साथ में बोतल पानी का बोतल लेके आना है, छतरी लेके आना है, चप्पल पहन के आना है, एक गामोछा लेके आना है गीला वाला, जैसे साथ में कुछ लेके आओ, जैसा ORS की बोतल के पानी के लिए लेके भी घूम सकते हैं। बसेस में जो यात्री जा रहे हैं इनको ही बोला गया है कि पीक आवर को अवॉइड करें। बसेस में भी ऑल फैसिलिटीज करने के लिए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है। और वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में ये चल रहा है, लेकिन कोस्टल पार्ट में हमारा ह्यूमिडिटी का एक इशू है, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा। 45-46 जो वेस्टर्न पार्ट में हो रहा है, कोस्टल पार्ट में इतना नहीं होगा, लेकिन यहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा। तो इस एरिया में कुछ जिले में, 4-5 जिले में तो पोलिंग भी है, तो इसीलिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से सेपरेटली जो इंस्ट्रक्शन जाना था पोलिंग पार्टीज को और सबको, ये जा चुका है। इनको भी कलेक्टर्स लोग को हमारे तरफ से, SRC ऑफिस की तरफ से गया है इंस्ट्रक्शन। लेकिन सबको सहयोग कामना में करता हूं, लोगों को अपील करता हूं आपके जरिए में, और लोग हमारा साथ बात माने, दोपहर के टाइम नहीं, पीक आवर के टाइम ना आए, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी एजेंसी इसी दौरान कुछ भी काम करने के लिए कोशिश करेंगे तो जिलाधीश लोगों को यह भी डायरेक्शन दिया गया कि इनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बुक करो। तो ये हमारा तरह से तैयारियां हैं, हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सब लोगों को, जितने भी लोग हैं सबको हम धैर्य से रहने के लिए हम अपील करेंगे और अपना टाइम शेड्यूल चेंज करने के लिए बोलेंगे। जो काम 10 बजे करते थे इसको सवेरे 8 बजे कर सकते हैं, जिसको हम 2-3 बजे करते थे इसको हम शाम को कर सकते हैं। तो टाइम शेड्यूल चेंज करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज तो बंद है और हमारा पोलिंग प्रोसेस भी जिस एरिया में हीटवेव चल रहा है सब खत्म हो चुका है। तो लोग थोड़ा हमको सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली ये जो 2-3 दिन जो डिफिकल्ट पीरियड है इसको हम